नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं इटावा के सबसे स्मार्ट गांव के बारे में। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सैफई के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि सैफई जैसा स्मार्ट गांव शायद ही पूरे भारत में और कहीं हो। सैफई में इस समय लगभग हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध होती जा रही हैं। इस गांव में आपको अस्पतालों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से लेकर खेल के मैदान भी नजर आएंगे। इस समय सैफई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण भी चल रहा है, जो लगभग पूरा हो चुका है। तैराकी में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए यहाँ एक स्विमिंग पूल भी बनाया गया है, जहाँ छात्र तैरने की ट्रेनिंग लेते हैं। यहाँ पर स्पोर्ट्स संबंधी छात्रों के लिए विशेष ट्रेनर तथा शिक्षक भी उपस्थित रहते हैं। आपको बता दें कि सैफई में बने अस्पताल में हर रोज लगभग हजारों लोग अपना इलाज कराने आते हैं। सैफई में उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय भी स्थित है, जहां कई छात्र छात्राएं मेडिकल संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सैफई समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का गाँव है। उन्होंने यहाँ रहकर ही अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। किसानों को बढ़ावा देने के लिए सैफई में एक किसान बाजार भी बनाया गया है। किसान बाजार में बना घंटाघर काफी आकर्षक लगता है। किसान बाजार के पास ही हनुमान मंदिर भी बना हुआ है, जहां हनुमान जी की एक बड़ी प्रतिमा स्थापित है। पहले यहां सर्दियों में सैफई महोत्सव का भी आयोजन किया जाता था, जिसमें देश भर के कलाकार आकर प्रस्तुतियां देते थे, लेकिन पिछले 2 सालों से सैफई महोत्सव का आयोजन नहीं हुआ है। सैफई में हुए कार्यक्रमों में बॉलीवुड के कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं, जिसकी वजह से सैफई का नाम मीडिया में कई बार छाया रहा। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।